सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, बहुत से लोग जो हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी का इंतज़ार बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो दोस्तों, एसएससी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर एक बार एसएससी ने अपडेट दे चुकी थी। उसके बाद कुछ कोविड-19 परिस्थितियों के कारण उसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया। तो दोस्तों, फिलहाल हम अभी हैं सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पर हम A to Z जानेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की हेल्प ले सकते हैं। आपको जनरल नॉलेज संबंधित यहाँ पर वीडियोस मिलेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी फ़िलहाल सरकारी रिजल्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर है दोस्तों। तो यहाँ पर से हम जानेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2021 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में दोस्तों। तो जो यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट में नेम ऑफ पोस्ट, एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2021 ऑनलाइन फॉर्म। ये एक प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों, ऑनलाइन के माध्यम से हम भर सकते हैं। पोस्ट डेट, तो दोस्तों यह वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था 25 मार्च 2021 को 12:55 AM पर। और पोस्ट अपडेट जो कि 7 मई 2021 को 3:23 पर हुई थी दोस्तों, पोस्ट अपडेट। अब शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, नेक्स्ट पॉइंट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में क्या है देख लेते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी आर इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फ्रॉम फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल जीडी रिक्वायरमेंट 2020। दोज कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड टू फॉलोइंग एसएससी जॉब्स वैकेंसीज कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वह जो नोटिफिकेशन है उसे पढ़कर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों आगे पढ़ लेते हैं और क्या डिटेल्स है देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और कांस्टेबल जीडी की जो भर्ती है दोस्तों इसमें, और इसके अंतर्गत है CAPF, NIA, SSF, असम राइफल रिक्वायरमेंट 2021। शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन, यह एक शॉर्ट डिटेल है दोस्तों, तो यहाँ पर हम फटाफट से जान लेते हैं शॉर्ट में, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स, तो दोस्तों अभी फ़िलहाल एप्लीकेशन जो है स्टार्ट नहीं हुई है दोस्तों, यह स्टार्ट होने ही वाली थी लेकिन कोविड-19 परिस्थितियों के कारण इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। तो शायद एसएससी कुछ ही दिनों में इसे अपडेट कर देगी और यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकेंगे हम। तो यहाँ पर एप्लीकेशन बिगन जो कि नोटिफाइड सून दिखा रहा है, तो जल्दी यहाँ पर अपडेट मिलने वाला है एसएससी की तरफ से। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पर इसे भी जल्दी नोटिफाइड कर दिया जाएगा दोस्तों। पे एग्ज़ाम फी लास्ट डेट, इसे भी जल्दी नोटिफाइड कर दिया जाएगा। और एग्ज़ाम डेट CBT, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि एग्ज़ाम डेट दिखा रहा है 2 से 25 अगस्त 2021 के बीच, तो दोस्तों हमें जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक तक इसके अपडेट्स मिल सकते हैं एसएससी की तरफ से। तो जल्दी इसके अपडेट्स आने वाले हैं, अगस्त 2021 से पहले आ जाएंगे दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यहाँ पर 2 से 25 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। अब कोविड-19 परिस्थितियों के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा यह। अब एडमिट कार्ड अवेलेबल की बात करते हैं, तो जैसा कि आप हम सभी जानते हैं 10 दिनों जो एग्ज़ाम होते हैं उसके 10 दिन पहले ही यहाँ पर एडमिट कार्ड नोटिफाइड कर दिए जाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो जनरल OBC और EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे 100 रुपये यहाँ पर फ़ीस लगेगी दोस्तों। और यहाँ पर SC ST कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो कोई भी यहाँ पर शुल्क नहीं देना होगा, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है यहाँ पर ST ST कैंडिडेट को। और ऑल कैटेगरी फ़ीमेल, और दोस्तों कोई भी कैटेगरी से जो फीमेल है उन्हें कोई भी एग्ज़ाम सॉरी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर पे नहीं करनी होगी। और एग्ज़ाम फ़ी कैसे पे करना है, पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चलान, तो ऑनलाइन माध्यम से हम कर सकते हैं दोस्तों फ़ी पेमेंट। बात कर लेते हैं अब एज लिमिट एज ऑन टेंटेटिव, तो दोस्तों यहाँ पर मिनिमम एज रखा गया है 18 वर्ष 18 ईयर्स, और मैक्सिमम है 23 ईयर्स। एज रिलेक्शंस एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, तो मिनिमम एज है 18 साल से 23 साल तक के लोग यहाँ पर भर सकते हैं दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म को। अब वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं, तो दोस्तों पोस्ट का नाम है जो है, पोस्ट नेम देख लेते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं एसएससी जीडी इन वेरियस फोर्स। और एलिजिबिलिटी मतलब एलिजिबिलिटी जो है इसमें 10वीं पास हाई स्कूल एग्ज़ाम इन एनी
रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, तो किसी भी जो इंडिया के बोर्ड है वहाँ से 10वीं पास होना आवश्यक है। और फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है दोस्तों, देख लेते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी जो है हाइट, पहले हाइट की बात कर लेते हैं। मेल जनरल ओबीसी एससी, तो जो मतलब जो बॉयज़ होंगे उनको हाइट होगी यहाँ पर 170 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी और एससी, और जो एसटी के बॉयज़ होंगे उनकी हाइट रखी गई है 165 सेंटीमीटर, और फीमेल जनरल ओबीसी एससी की हाइट है 157 सेंटीमीटर, और फीमेल एसटी की हाइट है दोस्तों 155 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट यहाँ पर रखा गया है जो कि बॉयज़ है जनरल ओबीसी एससी के 80 से 85, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए दोस्तों। मेल एसटी की बात करें तो 76 से 80 सेंटीमीटर, और फीमेल को यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है दोस्तों, तो यहाँ पर कोई भी आवश्यक नहीं है। और रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट बॉयज़ जनरल ओबीसी एससी के लिए, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स में रखा गया है। और बॉयज़ एसटी, मेल एसटी की बात करें तो 5 किलोमीटर्स इन 24 मिनट्स, और फीमेल जनरल ओबीसी एससी की बात करें तो 1.6 किलोमीटर्स इन 8.5 मिनट्स, और फीमेल एसटी की बात करें तो 1.6 किलोमीटर्स इन 8.5 मिनट्स। तो यह है फिजिकल एलिजिबिलिटी। आप फॉर्म किस प्रकार से फिलअप कर सकते हैं देख लेते हैं। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी कांस्टेबल जीडी रिक्वायरमेंट है दोस्तों 2021। कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन नोटिफाइड सून, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है दोस्तों एसएससी की साइट की तरफ से, तो हम अप्लाई कर सकेंगे। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन जीडी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों फॉर्म फिलअप करने से पहले अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लें, ऐसा कहा गया है। अगला है काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ एड्रेस डिटेल्स बेसिक डिटेल्स। तो हमें आईडी प्रूफ एड्रेस डिटेल्स कुछ हमें डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इकट्ठे कर लेने हैं। और अगला है काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म फोटो साइन आईडी प्रूफ एसेट्रा। तो दोस्तों यहाँ पर जो फोटो होगी हमारी पासपोर्ट साइज, साइन और आईडी प्रूफ जो कि स्कैन होंगे, स्कैन होकर अपलोड होंगे। और अगला है बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। तो दोस्तों फॉर्म फिलअप होने के बाद हम प्रीव्यू लेना पड़ेगा हमें, और उसमें चेक कर सकेंगे हम कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, गलती तो नहीं है, तो प्रीव्यू लेकर हम चेक कर सकेंगे। और अगला है इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी मस्ट सबमिट, इफ़ यू हैव नॉट रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फ़ीस योर फॉर्म इज़ नॉट कम्प्लीटेड। तो इस पॉइंट में कहा गया है दोस्तों जिन कैंडिडेट्स को फ़ीस पूछी गई है वह फ़ीस पेड करे, और जिन लोगों को नहीं पूछी गई है उन्हें फ़ीस पेड करने की आवश्यकता नहीं है। यदि जिन कैंडिडेट्स की फ़ीस पूछी गई है यदि वह फ़ीस पे नहीं करते हैं तो फॉर्म अनकम्प्लीट कहलाएगा दोस्तों, वह सबमिट नहीं होगा। और अगला है टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म, और फाइनली हम प्रिंट आउट ले सकते हैं हमारे फॉर्म का। तो दोस्तों ये थी जानकारी एसएससी जीटी 2021 भर्ती के बारे में। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो लोग चैनल में नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय टाटा।